नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। आज मैं आप लोगों को लेखपाल के बारे में, जो राजस्व लेखपाल है, काफ़ी बच्चों का यह था कि सर इसका प्रमोशन क्या होता है, सैलरी कितनी मिलेगी, ठीक है, और कितने साल में इसका जो प्रमोशन पीरियड है वो आपको मिलता है, कि कहाँ तक आप जा सकते हो, एटलीस्ट अगर आप लेखपाल पर ज्वाइन करते हो, जो राजस्व लेखपाल की 8085 पोस्ट जो आपके आए हैं ऑलमोस्ट, तो उसके बारे में बता रहा हूँ कि अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है निकालने के बाद तो आपको क्या सैलरी मिलेगी, पहली सैलरी क्या होगी, आपके प्रमोशंस क्या होंगे और आपके वर्क क्या होगा, एक्चुअली आपको करना क्या रहेगा, तो एक बार आप लोग देख लीजिए नज़रिए से। तो सबसे पहला जो होगा वो सैलरी डिस्कशन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ग्रेड पे जो राजस्व लेखपाल का है, चाहे जूनियर असिस्टेंट है, चाहे चकबंदी लेखपाल है, जो आपके ये तीनों हैं, इन सभी का जो ग्रेड पे है ऑलमोस्ट वो कितना है, 2000 ग्रेड पे है, ठीक है। ग्रुप सी नॉन गेजेटेड पोस्ट होता है, ये ध्यान रखना है, इसको गेजेटेड मत मांग लेना, गेजेटेड ऑफिसर नहीं होता है, नॉन गेजेटेड पोस्ट होता है। मूल जब वेतन जो आपको मिलेगा, ठीक है, वो होगा 21,700, मतलब बेसिक पे जो होगा आपका वो कितना होगा, बेसिक पे 21,700 रुपया होगा, ठीक है। महंगाई भत्ता पहले 17% थी, लेकिन कोरोना के कारण वो एक अस्थाई रह गई थी वहां पे 17%, बाद में उसे 17% से 28% किया गया, और अभी रिसेंटली इसको कितना कर दिया गया है, 3% इंक्रीज किया गया है, 31% कर दिया गया है, समझ रहे हो। तो महंगाई भत्ता कितना होगा, 31%, मतलब जो आपका बेसिक पे है उसका 31% आपको डीए मिलेगा, डीएनएस अलाउंस मिलेगा, जो महंगाई भत्ता होता है, तो 6,727 रुपया ये आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से आपको जो है एचआरए मिलता है, ठीक है। यहां पे एचआरए में ग्रामीण में अगर आपकी पोस्टिंग होती है, गांव में अगर आपके ग्रामीण इलाके में पोस्टिंग होती है, तो 800 रुपया आपको मिलेगा महीने का, शहर में रहने के लिए आपको 1600 रुपया मिलेगा, बड़े शहर में मतलब हाउस रेंट है, जाहिर सी बात है गांव में कितना आपको किराया लगेगा, 800 से ज्यादा आज भी रहते हैं जो कस्बा है, तो वही बोल रहा है जो शहरी है 1600, कस्बे में अगर आप रहते हो थोड़ा सा स्टैंडर्ड और अच्छा है तो 1600 रुपया आपको मिलेगा, और बड़े शहर जैसे लखनऊ हुआ, कानपुर हुआ, ठीक है, गोरखपुर हुआ, इन सब बड़े शहरों में आपको 2400 रुपया मिलेगा हाउस के लिए, ठीक है। नगर प्रतिकर भत्ता ये ग्रामीण में नहीं मिलेगा, लेकिन शहर और बड़े शहर में ये 360 रुपया भी मिलेगा आपको, ठीक है। साइकिल भी आपको, साइकिल के लिए, साइकिल पे आजकल कौन चलता है, लेकिन 100 रुपया साइकिल का भी लगता है कि मेंटेनेंस साइकिल का कुछ भी हो जाए, उसके लिए आपको साइकिल भत्ता भी 100 रुपया मिलता है। और ये नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आपके पेंशन के लिए जो आपको इकट्ठा, जब आप रिटायर होते हो तो आपको जो पैसा मिलता है उसके तहत आपकी ये कटौती की जाती है, ठीक है। तो वो क्या होता है, जो एनपीएस कटौती होती है वो आपका जो बेसिक पे होता है, बेसिक पे प्लस जो आपका डीए है, इसका कितना परसेंट, 10% जो होता है वो आपका काट लिया जाता है, ठीक है। मतलब 21,700 प्लस 6,727 को जोड़कर उसका 10% जो आएगा वो आपका पेंशन स्कीम में चला जाएगा, 2842 रुपया 7 पैसा जो है आपका ये क्या हो जाएगा, एनपीएस स्कीम में चला जाएगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि आपको इन हैंड सैलरी कितनी प्राप्त होगी डिडक्शन के बाद। 100 रुपया आपका जीआईएस कटता है, वो भी मान लीजिए तो कभी कभी कट जाता है, उसी के अप्रोक्स आपकी घूमेगी सैलरी, एग्जैक्ट नहीं मैं बता सकता हूं। ग्रामीण क्षेत्र, अगर आपकी ग्रामीण क्षेत्र में पोस्टिंग हुई है तो बेसिक पे आपका 21,000, डीए आपका ये 800 रुपया एचए और 100 रुपया साइकिल का, और ये एनपीएस आपका डिडक्शन हो जाएगा, तो 26,484 या 26,384 रुपया मिलेगा अगर जीआईएस आपका कटता है तो, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये 26,484 रुपया इन हैंड अगर आपकी पहले पोस्टिंग हो रही है तो ये सैलरी आपके अकाउंट में आएगी। शहर की बात करें, मगर कस्बे की बात करें, ठीक है, तो वहां पर 21,700 ये आपका सेम रहेगा, ये 1600 बढ़ जाएगा, और 360 रुपए जो नगरी भत्ता है ये आपको मिलता है, तो ये 1600 प्लस 300 1960 रुपए आपका इंक्रीज हो जाता है। 8 से बात करें तो 1160 रुपए इससे ज्यादा मिलने लगता है आपको, बस और कुछ नहीं है, तो 27,644 रुपया आपको मिलेगा कस्बे में। बड़े शहर की बात किया जाए तो यहां 21,700, ठीक है, और ये आपका डीए हो गया, और ये आपका एचए हो गया, और ये 360 और 100 इतना माइनस हो जाएगा आपका क्या,
जो एमपीएस वाला है तो 28,444, तो मैक्सिमम कितना, मिनिमम 26,484 से लेकर 28,484 जब आपकी पोस्टिंग होगी जहां भी होगी उसके अकॉर्डिंग ये आपकी सैलरी रेंज रहेगा, आपके खाते में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सैलरी के बारे में। अब हम बात कर लें कि अब भैया सैलरी पा गए तो कुछ काम भी करना है कि नहीं। तो सैलरी हो गया, अब पूछते हो कि सर प्रमोशन कैसे होता है। ठीक है, प्रमोशन जो होगा आपका, पहले आप राजस्व लेखपाल रहोगे, उसके बाद से आपका जो प्रमोशन होगा वो ऑलमोस्ट 8 से 10 साल लग जाते हैं यहां कानूनगो तक पहुंचने में। ठीक है, कानूनगो तक पहुंचोगे 8 से 10 साल में, और ऑलमोस्ट ऐसे ही आपका 7-8 साल और लग जाएगा आपको कहां तक पहुंचने में, तहसीलदार तक पहुंचने में, नायब तहसीलदार एनटी तक पहुंचने में। ठीक है, उसके बाद से फिर 10 साल आपके लग जाएंगे तहसीलदार तक पहुंचने में। बस यही पे आपका मैक्सिमम आप लोग यहां तक जा सकते हो, वो भी जब आप बहुत रिसेंटली ज्वाइन करते हो। ठीक है, अगर आप रिसेंटली ज्वाइन करते हो, 21-22-23 साल की उम्र में ज्वाइन करते हो तब जाके यहां तक पहुंचोगे। ठीक है, उसके बाद से रिटर्न, अगर ऑलमोस्ट में 10-10 साल मान लू तो 30 साल यहां पर हो गया ना, 30 साल हो गया, और 30 साल के हो तो 60 साल में खत्म, रिटायरमेंट आपकी हो जाएगी। उससे पहले हो तब जाके कहीं चांसेस होते हैं, और वो भी डिपेंड करता है, 10 भी लग सकता है, 11 भी लग सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेन होता है कि आगे पोस्ट कैसे खाली है, वैकेंट कैसे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी पोस्ट जो होगा वो क्या होगा, एक तरह से प्रमोशन होगा। लेकिन ये प्रमोशन तो इतना तो मिल ही जाएगा आपको, एटलीस्ट 3 तो मिल ही जाएगा। ठीक है, इसकी मैं बता रहा हूं कि अगर रिसेंट में अगर ज्यादा लेट ज्वाइन करोगे, अगर 35-40 की उम्र में कर रहे हो, 40 तो लेट लास्ट ही है, ठीक है, 35-36 की उम्र में कर रहे हो तो आपको जाहिर सी बात है कानूनगो या हो सकता है। देखो, पेमेंट आपको यह भी हो सकता है कि पेमेंट इनकी मिले आपको लेकिन पोस्ट ना मिले, जब खाली रहेगा तभी तो आपको आगे भेजा जाएगा, तो पेमेंट तो आप पा सकते हो यहां तक की, लेकिन पोस्ट के बारे में डिपेंड करता है कि आगे पोस्ट कितनी खाली है। ठीक है, तब जाके आपको ये प्रमोशन के पोस्ट आपको मिलते रहते हैं। चलो आगे आते हैं, अब काम पे देख लेते हैं, सब कुछ हो गया कि काम क्या होगा इनका। देखो, राजस्व लेखपाल का काम जो होगा, सबसे पहले इनकी जब आपकी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग में आपको एसडीएम हुआ, ठीक है, नायब तहसीलदार हुआ, ये सब आके आपके ट्रेनिंग देते हैं आपको, एक शहर में चाहे कहीं भी आपका हो सकता है, एक हायरिंग करते हैं, या तो बड़ा सा स्कूल हो जाए चाहे कुछ भी ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक हो, वहीं पे आपकी ट्रेनिंग होती है। राजस्व लेखपाल को पोस्टिंग जो मिलेगा उसका उनके गृह जनपद में ही हो सकती है, मतलब आपका जिला जो है आपको मिल सकता है, लेकिन आपका क्या नहीं मिलेगा, ब्लॉक आपको नहीं मिलेगा, यह ध्यान रखना। और चकबंदी लेखपाल में क्या होता है कि आपको जिले में पोस्टिंग नहीं होती है, क्योंकि चकबंदी का काम होता है, पता चले आप फेवर करते चले गए कहीं उसी में आपकी जगह हो गया तब तो दिवालिया निकाल दोगे, इसीलिए चकबंदी लेखपाल और राजस्व लेखपाल में यह अंतर होता है कि इनका जो गृह जनपद मिलता है ब्लॉक सेम नहीं मिलता है, ठीक है, जिस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, लेकिन जो चकबंदी लेखपाल होता है उसका आपका क्या होगा, जनपद नहीं मिलेगा जहां से वो बिलोंग करता है, उसे दूसरे जनपद में भेजा जाता है। राजस्व लेखपाल प्रशासनिक कार्य करते, जैसे सभी सरकारी योजनाएं, जितनी भी सरकारी योजनाएं, जैसे भी आप उत्तर प्रदेश के चाहे सेंटर की जो भी योजनाएं जो ग्रामीण स्तर की हैं वहां तक पहुंचाने के लिए, जनमानस तक पहुंचाने के लिए, जैसे चक्रोड का निर्माण हुआ जो प्रधानों के लिए आता है, तो उन सबको खलियान, नवीन प्रति, उसरी, इन सभी पूरे हुए अवैध कब्जे, अगर कोई इस पर कब्जा कर ले रहा है जमीन पर, चक्रोड पर, तो उनकी जो डीलिंग है वो कौन करेगा, राजस्व लेखपाल के तहत आएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, इसमें कई लोग इन्वॉल्व रहते हैं, मगर सबसे लेटेस्ट जो आपको मिलेगा ये राजस्व, उसके बाद से आपको कानूनगो को बताएगा, फिर नायब तहसीलदार को बताएगा, तो ऊपर ऐसे चलता चला जाता है। ठीक है, उसके बाद से कोई भी चाहे आपका एक तरह से बोल जाए देवी आपदा आ गया, ठीक है, फसल बर्बाद हो गई, चाहे बाढ़ के कारण हो गया, चाहे अग्निकांड हो गया, कोई भी ऐसी देवी आपदा आ गई, तो गणना की जाती है कि नुकसान कितना हुआ है किसानों का, और जो नुकसान हुआ है वो भरपाई कितनी की जाए कि इनके द्वारा अनुमोदित होता है, यही बताते हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग के खासकर इलाकों में क्या होता है, बाढ़ आ जाता है, गोरखपुर के साइड उधर जाओगे तो मैक्सिमम बाढ़ आ जाती है, ठीक है, एक सीजन सिर्फ फसल होता है, एक सीजन बाढ़ आ जाती है, तो वहां पे जो नुकसान होता है वो आपको केसीसी जो लोन लेते हैं वहां से भरपाई की जाती है, किसके द्वारा, क्योंकि ये लोग बना के देते हैं कि हाँ यहाँ फसल नहीं हुई
पूरा एक तरह से टीम आती है इनकी और देख के जाती है, पूरा जलमग्न रहता है, तो इलाका पूरा घोषित कर दिया जाता है भैया यहाँ पे पूरी की पूरी दैवीय आपदा के कारण यहाँ पर किसानों का नुकसान हुआ है। तो इंश्योरेंस कंपनी भी देती है और गवर्नमेंट भी देती है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र बनाना, खसरा और खतौनी भी इन्हीं के कार्य क्षेत्र में आता है। खसरा खतौनी का कोई रकम नहीं तैयार होता है, ठीक है। खसरा खतौनी बनाने के लिए कोई एक बोला जाए गवर्नमेंट के द्वारा रुपया नहीं डिसाइड किया गया, यहां से ऊपरवारी कमा लेते हैं। अगर आप केसीसी बनवाना जा रहे हैं और आपको खसरा खतौनी जरूरी है, क्योंकि केसीसी क्रेडिट कार्ड आप बनवाने जा रहे हैं, वहां पे भाई मैक्सिमम लोग बनवाते हैं किसानी करने के लिए, तो वहां पे खसरा और खतौनी आपको तैयार करना पड़ता है। तो उस केस में 4,000, 3,000, 2,500 रुपए लेते हैं लोग, ठीक है, क्योंकि इसका रकम कोई डिसाइड नहीं है। और जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र बनाना, वैसे आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो, इन सब का शुल्क बहुत कम है, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते हैं जिसके बारे में, तो जो है वो जाते हैं तहसीलदार, वहां से 100 रुपया, 150, 200, ऐसे ही 15 रुपया इसका रेट होता है, लेकिन 100, 150, 200 जैसे जैसे जहां से जितना हटना पड़े, बीच का एक वकील होता है वो भी ले लेता है, तो ऐसे होता है, ठीक। तो ये भी काम इन्हीं के जिम्मे होता है, आय, जात, निवास, ये सब बनाना राजस्व लेखपाल। चुनाव के समय जो बूथ लेवल ऑफिसर होता है, बीएलओ होते हैं, उनको सुपरवाइज करता है एक तरह से। 10 बीएलओ इसके अंदर आते हैं, चुनाव जब होगा तो उस समय इनका काम यह रहता है। कभी कभी इनको कोटा में राशन बंटवाने के लिए भी लगवा दिया जाता है, और 3 से 5 वर्ष में एक बार पशु गणना का जो है जिम्मेदारी इनके ऊपर रहती है। 3 साल या 5 साल में एक बार पशु गणना करना, और हर 5 वर्ष में किसी गणना करना होता है इनको, ठीक है। इनके पैसे मिलते हैं अलग अलग से, पशु गणना के और कृषि गणना करने के इनके पैसे दिए जाते हैं। तो ये इनके क्या है, कार्य है। ऊपरी वाले इनकम की बात किया जाए तो यही आय जात में इनको 5 रुपया मिलता है, लेकिन यहां से अच्छा खासा ले लेते हैं। पशु गणना की इनकी अधिकतम जो है 10,000 रुपया है, और मिनिमम इनको 2,000 रुपया का मिलता है, ठीक है। पशु गणना और कृषि गणना के लिए, तो पशु के लिए आपको 10,000 और कृषि गणना के लिए 2,000 रुपया इनको मिलता है। खसरा खतौनी का कोई चार्ज राजस्व विभाग के द्वारा निर्धारित नहीं होता है, तो ये जितना चाहते हैं उतना ले लेते हैं। तो ये आपके रहे पूरा जॉब प्रोफाइल कि आपकी सैलरी क्या होगी, ठीक है, बेसिक पे कितना है आपको, इन हैंड कितना आपको सैलरी मिलेगा, प्रमोशन आपके कहां तक आप पहुंच सकते हो, नेक्स्ट है आपका कि आपकी जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, कि आपको कार्य क्या करने हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम ये ध्यान रखो कि बहुत कम ही इसमें से कुछ ऐसे कार्य हैं जो कभी कभार करने होते हैं, हमेशा नहीं, लेकिन कुछ ये है जो आपके हमेशा करने ही होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये रहा जॉब प्रोफाइल। बाकी आपको जो भी लेखपाल से रिलेटेड दिक्कत हो, लेखपाल का बैचेस भी चल रहा है, जो बच्चे नए हैं चैनल में वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, और ये जानकारी अपने मित्रों तक पहुंचाएं कि अगर आप लेखपाल बनने जा रहे हैं तो एटलीस्ट लेखपाल का वर्क क्या है, सैलरी क्या है, वो आप जानें। अगर इससे दिक्कत, कोई भी परेशानी है, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में उठता है, तो आप वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।